सरस्वती सुइयां धाम के ऊपर यहाँ पे बहुत तादाद के अंदर यहाँ लोग आए हैं और कुछ पार्टी से भी लोग आए हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ आए हैं, हमारे बीच में है युवा साथी हैं राहुल जी। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव मनाया गया, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? राहुल जी, आज जो गुरु रविदास जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, ये एक धार्मिक बदलाव की लड़ाई शुरू हो चुकी है देश के अंदर। आज तक हमें अपने अपने मंदिरों में कई बार हमें घुसने नहीं दिया गया, तो आज हमने जो है अपने गुरु रविदास जी का धार्मिक तौर पर प्रचलन करना शुरू किया है, हमने अपने रविदास मंदिरों को निर्माण करना शुरू किया है। आज एक नया बदलाव आ रहा है, हमारे लोगों को एक स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपने मंदिर के अंदर अपने गुरु जी के प्रति जो आस्था है उसे प्रदर्शित करने का ये दिन है। इसीलिए एक और बात भी है, हमारे जो रविदास मंदिर हैं वो मंदिर के साथ साथ हमारे एक शैक्षिक संस्थान के रूप में भी डेवलप हो रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर गुरु रविदास जी के नाम से मतलब बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एजुकेशन सेंटर डेवलप हो रहे हैं और जितने हमारे गुरु रविदास जी के नाम से मंदिरों का जो निर्माण हो रहा है वो निश्चित रूप से स्वाभिमान को बढ़ाने का काम है। राहुल जी, एक राजनीति तौर पर हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं या धर्म के तौर पर हम राजनीति को बढ़ा सकते हैं? नहीं, देखिए, धार्मिकता में और राजनीति में अलग अलग अंतर है। धर्म अलग काम करता है, राजनीति अलग काम करती है, पर लेकिन देश का इतिहास है, इस देश के अंदर समय समय पर धर्मों का निर्माण हुआ है, चाहे वो सिख धर्म का निर्माण हुआ हो, चाहे वो जैन धर्म का निर्माण हुआ हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ हो। आज समय आ चुका है कि देश के अंदर रहने वाले 35 करोड़ लोगों को जो ये धार्मिक जो बदलाव, धार्मिक क्रांति जो आई है, रविदास या धर्म के नाम से जो ये प्रचलन शुरू हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि आज समय आ चुका है कि हिंदू धर्म के साथ साथ एक रविदास या धर्म का भी निर्माण होना चाहिए, जिस धर्म के अंदर रहने वाले लोग अपने स्वाभिमान के साथ लोगों को बता सके कि हमारे भी गुरु हैं, हमारा भी मंदिर है, हमारे भी मानने वाले लोग हैं और हमारा भी एक इतिहास है, वो इतिहास गलत नहीं है, उस इतिहास का अपना एक स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में वो दर्ज है, हम उस इतिहास को इस धर्म के नाम से लोगों के बीच में प्रचलित करना चाहते हैं। राजनीति की बात, राजनीति और धर्म हमेशा अलग अलग और अलग अलग दूरियाँ हैं। राहुल जी, एक तरफ कहा जाता है कि आप कह रहे हैं राजनीति अलग मैटर है, धर्म अलग मैटर है, लेकिन आज जो हम लोग फंसे हुए हैं धर्म के अंदर ही तो फंसे हुए हैं, हमारा जहाँ उन्नति नहीं हो रही है और धर्म के प्रति हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। नहीं नहीं, धर्म के प्रति गुमराह किया जा रहा है तो पहले तो अगर हम रविदास या धर्म की बात ना करें तो हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर हम हिंदू धर्म को भी ना माने तो फिर हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, अगर हम बौद्ध धर्म को भी ना माने तो कहीं ना कहीं जैन धर्म को, इस्लाम धर्म को या सिख धर्म को मानने का काम करते हैं। ये देश धर्मों का बना हुआ एक देश है, यहाँ धर्मों के साथ साथ जातियाँ बहुत सारी दिक्कत करती हैं इस देश के अंदर, जो इसकी अखंडता है उसे तोड़ने का काम करती हैं। आज अगर एक धर्म रविदास या धर्म के नाम से बन के आता है तो उस धर्म के अंदर वो पाखंडवाद बिल्कुल नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आपने भी हमारे गुरु रविदास जी के मंदिर में आके देखा, आपने हमारे वक्ताओं की बात भी सुनी होगी, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने भी अपनी बात रखी होगी और उन्होंने जो भी बात रखी होगी वो समाज को शिक्षित करने वाले, समाज को संगठित करने वाले और समाज को एक नई दिशा देने वाला काम किया होगा, निश्चित रूप से मुझे ऐसा विश्वास है। और ये जो धर्म है ये समाज को इकट्ठा करके इस देश की अखंडता को बनाने के लिए बनाया जा रहा है, ना कि इस धर्म के नाम पे कोई पाखंडवाद फैलाने के लिए बनाया जा रहा है। आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ, आप धर्मों में अलग अलग हो सकते हैं, आप जातियों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप पूर्णतः भारतीय हैं, आप भारत के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में अपनी आस्था रखते हैं, तो मेरा पूरे देश की आवाम से निवेदन है कि वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखते हुए भारत को अखंड भारत बनाने का काम करें और एक दूसरे का उसी तरह सहयोग करें जो भारतीय संविधान में, जैसे हमारे गुरु रविदास जी ने कहा है, मैं चाहूँ राज ऐसा मिले सबन को अन छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, ये समरसता और समानता की बात है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता हूँ, तो ये एक समानता की बात है जिसके अंदर सब लोग छोटे बड़े हों समान हों, यही समानता का हम सब लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं और ये इन आयोजन जो हम करते हैं इनका भी उद्देश्य यही है कि सब लोग समानता के साथ इस देश के अंदर अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद सर।